बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 4.4 का ऑफ एवरेजेस चैप्टर। तो ये हमारे पास है कैलकुलेटर, कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज़। तो इसके हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है, उसका यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया है। तो पहले मैं ये सॉल्व करवा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके और जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाएंगे वो भी करवा दूँगी। अच्छा, यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा, अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है हमने, और सिंपल जो हमारे पास देखें डाटा गिवन है तो इसी का यही एक फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मीन आ जाएगा, सम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है। सम ऑफ एक्स यानी कि सारे क्या थे, एक्स थे मैंने बताया था, तो प्लस के साथ लिखेगा क्योंकि यहाँ पर सम लिखा है, तो इसलिए प्लस के साथ आएगा। अपॉन में कितने नंबर्स आ जाएंगे, तो ये 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड देन इन सब का सम ले लें ऊपर वाली वैल्यूज़ का, तो ये हमारे पास कितना सम आएगा, 20/4। अब सिंपल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, ठीक है। नीचे से 1 लिखते नहीं है और 5 ऊपर से आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो हेयर द सेकेंड पार्ट, तो ये भी सेम इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। 4 + 16 कर देंगे +64 + 256, ठीक है। डाटा के आगे प्लस प्लस से लिख दिया, अभी कितनी वैल्यूज़ हैं, ये भी हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। नीचे ऊपर वाली वैल्यूज़ का सम ले लेंगे कैलकुलेटर में डाल के, इसका जो आंसर आएगा 340 upon 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज़ का सम लेंगे कितना आंसर आएगा, 340। अब 340 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इसका आंसर देखें कितना आ रहा है, 85। तो यहाँ पे लिखेंगे अरिथमेटिक मीन हमारे पास कितना आ रहा है, 85। सो हेयर द आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स रह गए हैं। सो हेयर द थर्ड पार्ट, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। देन यहाँ पे प्लस प्लस के साथ लिख दें जो हमारे पास डाटा में वैल्यूज़ गिवन है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे नंबर आ जाएगा हमारे पास 5। ऊपर की वैल्यूज़ का सम ले लेंगे तो ये आंसर है 31 और नीचे से 5। अब डिवाइड कर देंगे 31/5, तो ये 31/5 इसका आंसर देंगे कितना आ रहा है, 6.2। तो यहाँ पे आंसर ले लें, अरिथमेटिक मीन आ जाता है 6.2। सो हेयर द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये डाटा है हमारे पास इस तरह से गिवन है, ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट में। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं और एक हमारे पास बिना पॉइंट के वैल्यू है, याद रहे ये 1000 है। उसके बाद ये मैंने इस तरह से लिख दिया जैसे इसको लिखना है, सेम वही फार्मूला अप्लाई हुआ है। कितने वैल्यूज़ हमारे पास है, 3 है, तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने आ जाएगी, 3। अब इसका सम लें ऊपर वाली वैल्यूज़ का, तो ये आंसर हमारे पास आता है, तो ये पूरी वैल्यू ही लिख लेंगे जो कि है 1003.165, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1003.165 upon में कितने आंसर है, 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो ये डिवाइडेड बाय 3, तो ये देखें कितनी वैल्यू आ रही है। तो इसको वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे कि 334, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के पास जितनी वैल्यू है तो हम इसकी कितनी, सिर्फ 2 ले लेंगे, 38 ले सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ पर ही 4 ले सकते हैं, इस 3 को हम 4 बना सकते हैं, राइट, क्योंकि बराबर में 8 है जो कि 8 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम राउंड ऑफ करके 3 को 4 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 2 वैल्यू लूँगी तो 3 8 लूँगी, तो 8 के बराबर वाली वैल्यू को भी मुझे देखना पड़ेगा, तो 8 भी 5 से बड़ा है, तो इस 8 को मैं 9 बना दूँगी, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 9। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसका आंसर, जो ये सब आपके बुक के अकॉर्डिंग है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये आंसर आपके जितने भी आए सारे बुक के अकॉर्डिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 9 नहीं आप लेना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ इस 3 को 4 बना दें, यानी कि बराबर में उसके 8 था, तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दें, राइट। तो ये सारे आपके आंसर जो हैं बुक के अकॉर्डिंग आए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।